अच्छी तरह से परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा परफॉर्मेंस तो था नहीं, वो रानी जी का था, मैंने उनका साथ देने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी हो गई हुई तो उस जगह पे मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि मेरा भी एक स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं आया था, लेकिन उन जैसी मंझी वजह का अदाकारा के सामने तो खैर बात ही कुछ और है। इसके अलावा सर, अगर कोई अवार्ड फंक्शन होता है, कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है, कितना प्रोत्साहन मिलता है? देखिए जब बाहर के लोग आपको वोट देते हैं कि आप एक अच्छा अभिनेता हैं, वो बॉक्स ऑफिस से देते हैं, वो अवार्ड दे नहीं पाते, लेकिन अपने लोग जो इस कला को समझते हैं, जो जानते हैं तकलीफ़ों को क्या उठाना पड़ता है, वो जब आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो हमारे पैनल हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, तो बहुत बेहतरीन लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कितना कर्म लगता है, कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को पाने में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है अगर आप बताना चाहें? देखिए एक फिल्म अभी आने वाली है, उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी 23 तारीख से, चोर मचाए शोर, तो उसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि होली तक ले आएंगे दर्शकों तक। उसके अलावा तेरे जैसे यार कहाँ रेडी है रिलीज़ के लिए, जिसमें मेरे बड़े भाई पवन भैया हैं और मैं हूँ, तो अलग से अरे कहाँ जात हुआ, उन लोग का भी है।